तो ये कॉलेज जो है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड, और कोहरा टाइप का लग रहा है, वो कोहरा नहीं है दोस्तों, उधर बारिश हो रही है। और दिल ने ये कहा है दिल से, दोस्तों ये चने जो है 50 रुपए के, 50 रुपए। मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। और दोस्तों आज का स्टे जो हमारा हुआ था वो एक होटल में हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों यहाँ से शानदार नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, और एकदम यहाँ से पहाड़ियाँ पूरी दिख रही है, और हो रही है बारिश जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से पूरा एकदम शानदार पहाड़ियाँ सारी दिख रही हैं, बहुत ही गजब लेवल वाली। और दोस्तों ये कॉलेज जो है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड, और ये दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम पे हम लोग हैं पालपा में। और अब यहाँ से दोस्तों निकलने का टाइम हो चुका है, और अब निकलते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम लोग निकल के होटल से थोड़ा आगे आए तो यहाँ का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरीके से हो रखा है, कितना गजब का हो रखा है। और सामने आप देख रहे हैं जो आपको उस टाइप का लग रहा है, जैसे लग रहा है कोहरा टाइप का लग रहा है, वो कोहरा नहीं है दोस्तों, उधर बारिश हो रही है। और यहाँ पे कब कहाँ पे बारिश हो रही है कोई पता नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। और दोस्तों हम इस टाइम है बास्टरी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम लोगों को अभी यहां से डिस्टेंस तय करना है अप्रॉक्स 27-28 किलोमीटर का, तब हम लोग पहाड़ी क्षेत्र जो है वो छोड़ेंगे। और दोस्तों यार पहाड़ी क्षेत्र जो बारिश का सीजन हो रखा है, कैंपिंग करने का कोई जगह ही नहीं मिलती, तो इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्र से हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो बारिश के सीजन में कैंपिंग करना और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र को विजिट करना बहुत ही रिस्की काम हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम पहाड़ी क्षेत्र के जस्ट बगल में खड़ा हूँ। और दोस्तों आप पूरा देख सकते हैं चारों साइड ये पहाड़ी पहाड़ी, और पूरा नेपाल जो है भाई वो पहाड़ों पे ही बसा हुआ है। तो दोस्तों एक भैया रुक चुके हैं, आज की डेट का मेरी पहली लिफ्ट है, देखते हैं भैया कहाँ तक जाने वाले हैं। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, मैं जा रहा हूँ बुटवल तक। आप जहाँ तक चल रहे हैं, चल रहे हैं बुटवल, ओके थैंक यू भाई। तो फाइनली दोस्तों आज का जो लिफ्ट है मेरा फाइनल बुटवल तक होने वाला है। दोस्तों यार फाइनल मुझे लिफ्ट तो मिल चुकी थी भुटोल के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी, और ये है कि मेरे पास बारिश का सूट भी नहीं था, तो मैं एक ढाबे पे रुक चुका हूँ और लिया हूँ खाने के लिए चने। भैया चने कितने पैसे के, कितने रुपए के? दोस्तों ये चने जो है 50 रुपए के, 50 रुपए के। तो फाइनली दोस्तों हम थोड़ा सा लंच करते हैं, उसके बाद बारिश थोड़ा डाउन हो कम हो फिर उसके बाद अपना सफर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से अप्रॉक्स 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है। इधर की आप पहाड़ियाँ देखेंगे, बहुत ही शानदार सा लुक आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बादल, यार बादल एकदम ऐसा लग रहा है पास में ही उड़ रहा है, और मैं इतनी ऊंची पहाड़ियों पे हूँ और बादल आप देख सकते हैं नीचे भी आपको बादल ही दिखेगा, और बहुत ही शानदार लुक लग रहा है, बहुत ही गजब वाला लुक लग रहा है। चलिए दोस्तों एक भैया रुक चुके हैं, पूछते हैं कहाँ तक जाने वाले। भैया कहाँ तक चल रहे हैं आप? भुटोल चल रहे, चल सकते हैं, ओके थैंक यू। फाइनल दोस्तों मुझे भुटोल तक लिफ्ट मिल चुका है, और मैं अपना सफर भुटोल तक कंटिन्यू करता हूँ। With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure. But what fun would that be? फाइनली दोस्तों यार भुटोल पहुंचने के बाद पहाड़ियों को बाय बाय करते हैं, और दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे मित्र हमें मिल चुके हैं। आप लोग किधर से हो आप? अच्छा इधर से। दोस्तों ये प्रॉपर इधर ही के रहने वाले हैं। दोस्तों हम आ रहे हैं यार पोखरे से, आ रहे हैं हाँ पोखरे से, हम फ्रॉम इंडिया से, सब कुछ क्या है संतोष सिन्हा ब्लॉग, संतोष सिन्हा ब्लॉग कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू ब्रो, कुछ कहना चाहेंगे आप? इस अंकल को सब्सक्राइब एंड कमेंट लाइक करना। अरे वाह थैंक यू ब्रदर। अली दोस्तों एक भैया रुक चुके हैं, पूछते हैं कहाँ तक जाने वाले। भैया कहाँ तक चल रहे हैं आप इस टाइम? ये कितने किलोमीटर होगा? चल सकते हैं साहब इसी रोड पे ना, ओके थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों काफी टाइम बाद मुझे लिफ्ट मिल चुका है, और 10 किलोमीटर में भैया के साथ सफर करने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों मैं भैया के साथ यार 9-10 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूँ, और अभी यहाँ से जहाँ मुझे जाना है, जहाँ पे मुझे रुकना है भाई, वो डिस्टेंस अभी मुझे अप्रॉक्स 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में तय करूँगा, फिर उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच पाऊँगा। फाइनली दोस्तों एक भैया रुक चुके हैं, पूछते कहाँ तक जाएंगे। भैया कहाँ तक चल रहे हैं? भाई का मेडिकल कॉलेज।
ओके मेडिकल का कितने किलोमीटर होगा डिस्टेंस? इसी रोड पे ना ओके चल सकते हैं। ओके थैंक यू भाई। 17 से 18 किलोमीटर डिस्टेंस में भैया के साथ तय करने वाला हूँ और देखता हूँ सुनोली बॉर्डर कब तक पहुँचता हूँ। फाइनली दोस्तों अब यहाँ से मेरा सफर कुछ और किलोमीटर बचा हुआ है तो मैं पहुँच जाऊँगा फाइनल डेस्टिनेशन पे। और सर मुझे नहीं लग रहा था आज मैं पहुँच पाऊंगा बट मैं पहुँच गया। अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर और बचा हुआ है। मैं बॉर्डर तक जा रहा हूँ। क्या चल रहे हैं आप साइड? हम सुनोली तक नहीं जाएंगे, मतलब इधर से हमारा घर पड़ता है, हम लोग वहाँ तक छोड़ देंगे। ओके चल सकते हैं। ओके थैंक यू भाई। फाइनल दोस्तों मुझे फाइनली डेस्टिनेशन के लिए लिफ्ट मिल चुकी है। फाइनल डेस्टिनेशन पे आज मैं पहुँच गया। दोस्तों मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और अब यहाँ से मेरा लिफ्ट बोर्ड चेंज होने वाला है। इंडिया टू नेपाल बाय लिफ्ट से चेंज होके ऑल इंडिया ट्रेवल बाय लिफ्ट करने वाले हैं। तो यार इंडिया में पहुँच गया तो बोर्ड भी चेंज होना चाहिए, ऑल इंडिया ट्रेवल बाय लिफ्ट। दोस्तों पूरा बोर्ड मेरा चेंज हो चुका है और मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया में। अब मेरा सफर जो होने वाला है ऑल इंडिया ट्रेवल बाय लिफ्ट द्वारा होने वाला दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब यार इंडिया पहुंचने के बाद इंडिया का से लिफ्ट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और अपना सफर यार कंटिन्यू करते हैं। वैसे अभी तो यार सोच रहे हैं पहुंच जाएं आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर अप्रॉक्स ऐसे कुछ है, 100 किलोमीटर प्लस ऐसे कुछ है। तो यहां से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और पहुंचते हैं आजमगढ़।